हेलो फ्रेंड्स, जीके राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, अति महत्वपूर्ण जो आपके सारगर्भित प्रश्न है उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। और जैसा कि अभी आपका एग्जाम नजदीक आता चला जा रहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आपके सामने लेकर आता हूं मैं प्रतिदिन। और बीच में कुछ रक्षाबंधन के चलते कुछ समय का गैप हो गया था, तो चलिए उसको फुलफिल करने की जो है कोशिश की जा रही है और प्रयास यही रहेगा पूरी टीम का, हमारी संस्था का, कि आप लोग जो है इस एग्जाम में अधिक से अधिक संख्या में जो है सफल हो। तो चलिए दोस्तों, आज जो आपके सामने प्रश्न है ये इतिहास से संबंधित हैं। और जैसा कि पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, आपसे प्रश्न पूछा गया है, हेराक्लीस किस भारतीय देवता का यूनानी नाम है। चार विकल्प आप देख रहे हैं दोस्तों, शिव है, कृष्ण है, इंद्र है और ब्रह्मा है। तो उत्तर दीजिए दोस्तों कि हेराक्लीस किस यूनानी देवता का नाम है, किस भारतीय देवता का यूनानी नाम है। उत्तर दीजिए दोस्तों, उत्तर दीजिए कि हेराक्लीस किस भारतीय देवता का यूनानी नाम है। लेट जा रहा है क्या कुछ? देखिए, ये जो हेराक्लीस है, हेराक्लीस कृष्ण का यूनानी नाम है। इस देवता का यूनानी नाम है कृष्ण का। और शिव का अगर आपसे यूनानी नाम पूछता है तो वह है डायनोसियस, ठीक। और हेराक्लीस नाम किसका है, यह है कृष्ण का, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सिक्कों का प्रारंभ कब से माना जाता है। चार विकल्प आप देख रहे हैं, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। तो भारत में जो आप, जैसा कि आप जानते हैं, जो सिक्के अस्तित्व में आए थे उन सिक्कों को अहत रजत मुद्रा कहा गया है। अहत रजत, रजत मतलब काहे का सिक्का था, ये चांदी का सिक्का था। तो सबसे प्राचीन मुद्रा हमारी किस धातु में थी, चांदी में। और कब ये अस्तित्व में आई, ये सिक्के कब जारी किए गए सर्वप्रथम, तो याद रखिएगा ये जो सिक्के हैं सर्वप्रथम जारी किए गए हैं ईसा पूर्व पांचवी शताब्दी में। तो ईसा पूर्व पांचवी शताब्दी में ही भारत में सर्वप्रथम सिक्कों का प्रचलन किया गया। और ये जो सिक्के थे ये आपके किस धातु के थे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो याद रखिएगा ये सिक्के थे चांदी के। और अगर आपसे नाम पूछता है कि इन सिक्कों को क्या कहा गया है, तो याद रखिएगा इन सिक्कों को कहा गया है आहत रजत मुद्रा या आहत रजत सिक्के। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किस चोल शासक ने विष्णु की प्रतिमा को समुद्र में विसर्जित करा दिया था। जैसा कि आप जानते होंगे, ज्यादा से ज्यादा जो सभी लगभग जो चोल शासक थे ये शैव धर्म के अनुयायी थे, मीन शिव की पूजा करते थे। और इसी के चलते जो है एक ऐसा शासक था जो कट्टर शैव था, उसने विष्णु की प्रतिमा को उठाकर समुद्र में फेंकवा दिया था। और इसके चलते जो वहां पर वैष्णव संत थे उनका नाम था रामानुज आचार्य, रामानुज या रामानुजाचार्य, वो काफी समय तक उस देश को, चोल देश को छोड़कर चले गए थे। तो ये जो कट्टर शैव शासक था वह था कुलोत्तुंग द्वितीय, याद रखिएगा
कुलोत्तुंग सेकंड। तो ये जो कुलोत्तुंग द्वितीय था ये कट्टर शैव शासक था और अपनी इसी मनोवृत्ति के चलते इसने विष्णु की प्रतिमा को उठाकर समुद्र में विसर्जित करा दिया था या फिकवा दिया था। तो यहां से भी आपका प्रश्न बनता है कि चोल शासकों में कौन सबसे कट्टर था या कौन सा शासक कट्टर शैव था। तो याद रखिएगा वह शासक जो कट्टर शैव था वह था कुलोत्तुंग द्वितीय। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है अलवारों की संख्या कितनी मानी गई है। जैसा कि आप जानते हैं दक्षिण भारत में दो जो भक्ति आंदोलन थे या भक्ति आंदोलन में दो प्रकार के संत थे, एक थे नैनार और दूसरे थे अलवार। ठीक, ये नैनार जो होते थे ये शैव संत थे। ये भी आपसे पूछा जाता है कि शैवों को क्या कहा गया है दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत के जो शैव संत थे उनको नैनार, और अगर आपसे पूछता है कि वैष्णव संतों को क्या कहा जाता था तो वैष्णव संतों को कहा जाता था अलवार। तो आपसे पूछा गया है अलवारों की संख्या कितनी है, तो बस 12 से आप पकड़ लीजिए, 12 मतलब 12। अलवारों की जो संख्या मानी गई है वो मानी गई है 12, और अगर आपसे पूछता है नैनारों की संख्या कितनी मानी गई है, नैनारों की संख्या मानी गई है 63 या 63। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है नागर शैली का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है कि कौन सा ऐसा मंदिर है जो नागर शैली का सबसे अच्छा मंदिर माना जाता है। उत्तर दीजिए दोस्तों, उत्तर दीजिए, नागर शैली का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है। लिंगराज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, वृद्धेश्वर मंदिर या सास बहू का मंदिर। अभी तक कोई भी सही उत्तर नहीं आया है मेरे पास। कोई भी उत्तर सही नहीं आया है। बिल्कुल संतोष देवी, एकदम सही उत्तर है आपका। रविंद्र गुज्जर जी, आपका भी उत्तर एकदम सही है। देखिए, नागर शैली का जो सबसे उत्कृष्ट मंदिर है वह उड़ीसा का लिंगराज मंदिर है। ज्यादातर लोग मुझे उत्तर बता रहे थे वृद्धेश्वर मंदिर, ये नागर शैली का नहीं है बल्कि ये द्रविड़ शैली का है। एक छोटा सा आप ऐसे देख सकते हैं इसको, भारत का मैप। उत्तर भारत में इसको अगर 20 से हम विभाजित कर दें, दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य की जो शैली थी इसको कहते हैं द्रविड़ शैली, और उत्तर भारत में मंदिर स्थापत्य की जो शैली है वह है नागर शैली। याद रखिएगा, नागर शैली का जो सर्वोत्कृष्ट मंदिर है वो लिंगराज मंदिर है, और अगर आपसे पूछता है द्रविड़ शैली का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है तो वृद्धेश्वर मंदिर है। लिंगराज मंदिर ये उड़ीसा में है और वृद्धेश्वर मंदिर ये तमिलनाडु में है। ठीक दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है मेगास्थनीज किसका राजदूत था। चार विकल्प हैं, एंटियोकस, टॉलमी, निकेटर या नियार्कस। मेगास्थनीज किसका राजदूत था। बिल्कुल रितु जी, आपका क्वेश्चन, आपका आंसर एकदम सही है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और ये किसके दरबार में आया था, यह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यह आया था, और जो निकेटर लिखा हुआ है, निकेटर का पूरा नाम है सेल्यूकस निकेटर। तो मेगास्थनीज किसका राजदूत था दोस्तों, मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और जिसके दरबार में रहा वो भी आपसे प्रश्न बनता है, चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है,
नेक्स्ट प्रश्न है, गरुड़ किस वंश का राजकीय चिन्ह था? चार विकल्प आप देख रहे हैं, गुप्त, मौर्य, चोल या पांड्य। चार विकल्प हैं, गुप्त, मौर्य, चोल या पांड्य। बिल्कुल उगम जी, आपका उत्तर एकदम सही है। जो गरुड़ जिस वंश का राजकीय चिन्ह था वह था गुप्त। गुप्त जो शासक थे, सारे के सारे गुप्त शासक लगभग वैष्णव थे। वैष्णव का मतलब है विष्णु की पूजा करते थे, और विष्णु का जो वाहन माना गया है क्या है, वह है गरुड़। अगर आपसे पूछ ले मौर्यों का राजकीय चिन्ह क्या था, तो याद रखिएगा मौर्यों का राजकीय चिन्ह था मयूर। अगर आपसे पूछता है चोलों का राजकीय चिन्ह क्या था, तो चोलों का राजकीय चिन्ह था बाघ। पांड्यों का राजकीय चिन्ह आपसे पूछता है, तो पांड्यों का राजकीय चिन्ह क्या था दोस्तों, वो था मछली। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदों और सप्तऋषियों की रक्षा के लिए विष्णु द्वारा धारण किया गया अवतार कौन सा है? चार देख रहे हैं, मत्स्य, कूर्म, नरसिंह या वामन। चार विकल्प हैं, वेदों और सप्तऋषियों की रक्षा के लिए विष्णु ने जो अवतार धारण किया था वह कौन सा था? मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार या वामन अवतार। बिल्कुल मंजू जी, आपका उत्तर एकदम सही है। वेदों और सप्तऋषियों की रक्षा के लिए विष्णु के द्वारा जो अवतार लिया गया था वह मछली का अवतार था। और ये जल प्रलय जब हुई थी तो उसमें एक नाव बनाकर मछली की पीठ में बांध दी गई, और उसी में सप्तऋषि बैठ गए, वेदों को रख दिया गया। तो वेदों और सप्तऋषियों की रक्षा के लिए विष्णु ने जो अवतार लिया था वो मत्स्य अवतार था। और समुद्र मंथन के समय पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि समुद्र मंथन के समय विष्णु ने कौन सा अवतार लिया था, तो याद रखिएगा समुद्र मंथन के समय विष्णु ने कूर्मा अवतार लिया था। और हिरण्यकश्यप के वध के लिए जो अवतार लिया था वह था नरसिंह अवतार। तो हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद के विषय में आप लोग जान रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, जो 16 महाजनपद थे उत्तर भारत में, 16 महाजनपदों में कौन पाकिस्तान में था? कंबोज, मत्स्य, अवंती या वत्स्य। सोलह महाजनपदों में कौन पाकिस्तान में था? तो कौन सा महाजनपद पाकिस्तान में था? कंबोज, मत्स्य, अवंती या वत्स्य। नाइन का ए, बिल्कुल उगम जी एकदम सही है। बिल्कुल सोनू मीना जी, बिल्कुल उत्तर सही है। जो 16 महाजनपद थे उसमें से पाकिस्तान में जो महाजनपद था वह था आपका कंबोज। मत्स्य महाजनपद ये राजस्थान में था, इसकी राजधानी विराटनगर थी। अवंती उज्जैन, मीन्स ये पड़ेगा मध्य प्रदेश। और वत्स्य इसकी राजधानी कौशाम्बी था, और ये पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। तो पाकिस्तान में जो महाजनपद था वह कंबोज था। अगर आपसे पूछता है राजस्थान में कौन सा महाजनपद था, तो राजस्थान में जो महाजनपद था वह था मत्स्य, और इसी राजधानी जो थी मत्स्य की वह थी विराटनगर। बहुत बढ़िया, सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग, तुरंत उत्तर आ रहा है आप लोगों की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा शासक बुद्ध की समान आयु का था? चार विकल्प आप देख रहे हैं, प्रसेनजीत, अजातशत्रु, बिंबिसार और शिशुपाल। कौन सा बुद्ध की समान आयु का था? अभी तक कोई भी सही उत्तर नहीं आया है दोस्तों मेरे पास में, कोई भी सही उत्तर नहीं आया है। कोई भी सही उत्तर नहीं आया है। चलिए देखिए, बिल्कुल संतोष जी, बिल्कुल एकदम सही उत्तर है। संतोष जी ने सही उत्तर दिया है। बुद्ध की समान आयु का जो शासक था वह था कौशल का शासक था। कौशल वही स्थान है
जहां पर वर्तमान में मंदिर बनाया जा रहा है, राम मंदिर का पूजन हुआ है अभी रिसेंटली। तो ये जो कौशल महाजनपद था, कौशल महाजनपद का ही एक शासक था प्रसेनजीत, और जिस समय बुद्ध का जन्म हुआ था उसी समय पे जन्म हुआ था प्रसेनजीत का। तो प्रसेनजीत और बुद्ध जो है समान आयु के शासक, वो समान आयु के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दूसरी बौद्ध संगीति कहां संपन्न हुई? तो बौद्ध संगीतियां, जैसा कि आप जान रहे हैं, बौद्ध संगीतियों की संख्या कितनी है? चार है। तो चार बौद्ध संगीतियां हुई हैं। तो आपसे पूछा गया है कि दूसरी बौद्ध संगीति कहां पर हुई? उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए, दूसरी बौद्ध संगीति कहां पर हुई? बिल्कुल मुकेश कुमार जी, बिल्कुल सही है आपका उत्तर। जो दूसरी बौद्ध संगीति है, दूसरी बौद्ध संगीति हुई है वैशाली में। और देखिए दोस्तों, जो बौद्ध संगीतियां हैं इनको याद करने का एक सूत्र है, सूत्र में आपको केवल एक नाम याद रखना है और वह नाम है रवि प्रकाश, बस इसे याद रख लीजिए। रा से राजगृह, तो पहली संगीति आपकी कहां पर हुई? राजगृह में। वी से वैशाली, तो दूसरी बौद्ध संगीति आपकी कहां पर हुई? वैशाली। प्रा से है आपका पाटलिपुत्र, तो तीसरी बौद्ध संगीति आपकी कहां पर हुई? पाटलिपुत्र। और जो काश है, काश से है कश्मीर, तो चौथी बौद्ध संगीति आपकी कहां पर हुई है दोस्तों? ये हुई है कश्मीर में। तो बस केवल एक सूत्र आप अपने दिमाग में रखेंगे और वो फॉर्मूला आप जो है वो है आपका रवि प्रकाश। रा से राजगृह, वी से वैशाली, प्रा से पाटलिपुत्र और काश से कश्मीर। तो चारों बौद्ध संगीतियां आपको हमेशा दिमाग में बनी रहेंगी, ठीक दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, रवि प्रकाश याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? 16 महाजनपदों में जो पाटलिपुत्र था सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था, मगध जनपद जो था वो सबसे महत्वपूर्ण था और उसी की राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या नागदशक? बिल्कुल सुमन यादव जी, बिल्कुल एकदम सही उत्तर है आपका। जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी और ये जो पाटलिपुत्र है ये दो नदियों के संगम पर थी, गंगा और जो दूसरी नदी थी वह थी सोन। तो इसकी जो स्थिति थी ये एक प्रकार के नदी दुर्ग के समान थी। तो यहां से दोस्तों आपका प्रश्न बनता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी राजधानी थी जो नदी दुर्ग के समान थी? तो नदी दुर्ग के समान जो राजधानी थी वो कौन सी थी? आपकी पाटलिपुत्र। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि किन दो नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र स्थित थी, तो आप याद रखेंगे गंगा और उसकी सहायक नदी सोन। तो गंगा और सोन के संगम पर थी और इसकी स्थापना की थी जो शासक था उदयन। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, अशोक के किस लेख से राजस्व व्यवस्था के विषय में जानकारी मिलती है? अशोक के किस लेख से राजस्व व्यवस्था के विषय में जानकारी मिलती है? भाब्रू, रुमिंदेई, कंधार, लगमान, चार विकल्प हैं, चार विकल्प हैं। राजस्व व्यवस्था या कर व्यवस्था, टैक्सेशन के विषय में किस अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है? बिल्कुल संतोष चौधरी जी, एकदम सही उत्तर है आपका। देखिए राजस्व व्यवस्था के विषय में जिस लेख से जानकारी अशोक की मिलती है वह रुमिंदेई, और रुमिंदेई जो स्थान है यह कहां पर है आपका? यह है नेपाल में, ठीक। और इसको याद रखने का तरीका भी है, राजस्व मतलब कर, और कोई कर देना चाहता है, कोई कर नहीं देना चाहता, ना दे, बस ना दे को पकड़ लीजिए, उसे हमेशा याद बना रहेगा, इसमें लगा हुआ है ना दे, ठीक। तो राजस्व व्यवस्था या कर व्यवस्था के विषय में जहां से जानकारी मिल रही है वो अभिलेख कौन सा है?
रुमिलदेई। और भाबरू अभिलेख, ये भाबरू अभिलेख जो है ये कहां पड़ेगा, राजस्थान में, और राजस्थान में जो भाबरू है ये अशोक के लेखों में सबसे लंबा लेख है। प्लस इसी लेख से जानकारी मिलती है कि अशोक बौद्ध था, क्योंकि इसमें अशोक अपने आप को कहता है कि मैं मगध का राजा बुद्ध संघ धम्म की वंदना करता हूं या पूजा करता हूं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किस लेख में अशोक बौद्ध होने के विषय में जानकारी मिलती है, तो उसका उत्तर होगा भाबरू लेख। नेक्स्ट प्रश्न, हर्षवर्धन ने महामोक्ष परिषद का आयोजन कहां पर किया था? चार विकल्प आप देख रहे हैं, प्रयाग, कन्नौज, थानेश्वर, मथुरा। चार विकल्प हैं। हर्ष ने महामोक्ष परिषद का आयोजन कहां पर किया था? प्रयाग, कन्नौज, थानेश्वर या मथुरा। चार विकल्प हैं दोस्तों। बिल्कुल राजू सैनी जी, बिल्कुल एकदम सही उत्तर है आपका। मोक्ष शब्द है, और मोक्ष कहां पे आके मिलता था लोगों को प्राचीन काल में? प्रयाग में। तो इसी से आप पकड़ लीजिए, महामोक्ष परिषद का जो आयोजन किया था हर्ष ने, वह जिस स्थान पे किया था वह था प्रयागराज, आज का प्रयागराज, अभी नाम बदल दिया गया, इलाहाबाद या प्रयागराज। तो जो महामोक्ष परिषद का हर्ष ने आयोजन किया था वह किया था प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय के रचयिता हैं जयनायक भट्ट, चंद्रबरदाई, श्रीपाल या भूपाल। ये चार विकल्प हैं, उत्तर दीजिए। ये प्रश्न आप लोगों को आना चाहिए, ये प्रश्न आपको आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल निकी राजपूत जी, बिल्कुल आपका जो है, राजेंद्र कुमार जी आपका भी उत्तर एकदम सही है। राजू सैनी जी, देखिए आपसे कुछ लोगों ने, ज्यादातर लोग उत्तर दे रहे हैं चंद्रबरदाई। तो याद रखिए दोस्तों, आपसे जो है जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन आप देखिए, पृथ्वीराज विजय पूछा गया है, ना कि आपसे पृथ्वीराज रासो पूछा गया है। अगर पृथ्वीराज रासो पूछा जाता तो पृथ्वीराज रासो के तो रचयिता चंद्रबरदाई हैं, लेकिन यहां पर जो आपसे प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है पृथ्वीराज विजय, और पृथ्वीराज विजय के जो रचयिता थे वो थे जयनायक भट्ट। ठीक, तो विजय इसी से आप पकड़ लीजिए, जय इसमें लगा है और जैसे ही इनका नाम शुरू है, तो विजय शब्द जहां लग गया वो हो गए आपके जयनायक भट्ट। और जयनायक भट्ट का जो निकनेम था, शॉर्ट नेम था, वह था जगनिक। तो याद रखिएगा, हो सकता है कि आपको जयनायक भट्ट विकल्प में ना दिया जाए, जयनायक भट्ट की जगह आपको दे दिया जाए जगनिक। तो जो पृथ्वीराज विजय है ग्रंथ है, उसके जो रचयिता हैं वो जयनायक भट्ट हैं अथवा जगनिक हैं। ठीक दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विवाह में वर को गाय बैल की जोड़ी प्रदान की जाती थी? किस विवाह में वर को गाय बैल की जोड़ी प्रदान की जाती थी? चार विकल्प है, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह। ये आर्ष है, या प्रजापत्य विवाह। चार विकल्प हैं। बिल्कुल अजय कुमार जी, बिल्कुल एकदम सही उत्तर है आपका। जिस विवाह में कन्या का पिता वर को गाय बैल की जोड़ी प्रदान करता था वह था आर्ष विवाह। ठीक दोस्तों, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्राचीन काल में सबसे उत्तम कोटि का या सबसे अच्छा विवाह कौन सा माना जाता था, तो वह माना जाता था ब्रह्म विवाह। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस विवाह में यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ में कन्या का विवाह कर दिया जाता था, तो वह विवाह था देव विवाह। तो जो पुरोहित था वो देवताओं के लिए यज्ञ करता था, और उसी पुरोहित से कन्या का विवाह कर दिया जाता था, इसलिए उस विवाह का नाम पड़ गया देव विवाह। ठीक, और गाय बैल की जो एक जोड़ी प्रदान की जाती थी, ये जिस विवाह में प्रदान की जाती थी, विवाह कहलाता था आर्ष विवाह। बहुत बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सरल प्रश्न है, थोड़ा सा भी सोचेंगे सही उत्तर तुरंत दे देंगे। त्रिऋण, तीन ऋण माने गए हैं कि तीन ऋणों के अंतर्गत कौन सा नहीं है। ठीक, तो बताइए दोस्तों, उत्तर दीजिए कि त्रिऋण के अंतर्गत कौन सा नहीं है। ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण और चौथा है मातृ ऋण। बिल्कुल उगम जी, राजेंद्र कुमार जी, बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया है। देखिए, कोई भी इंसान, माँ का कर्ज जो है इंसान के ऊपर, बच्चे के ऊपर सबसे ज्यादा होता है और माँ के ऋण से कोई भी बच्चा जो है कभी भी उऋण नहीं हो सकता, मीन्स कभी भी माँ के ऋण से जो है उसको मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए मातृ ऋण का कोई भी प्रावधान हमारे शास्त्रकारों ने या जो हमारे ऋषि मुनि रहे उन्होंने इसका कोई भी प्रावधान नहीं किया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वह रहेगा मातृ ऋण। ठीक, बाकी जो थे ऋषि ऋण ये था, पैदा ऋण, देव ऋण ये भी था और पितृ ऋण भी था। मातृ ऋण का कोई भी प्रावधान या विधान जो है हमारे शास्त्रों में नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगला जो प्रश्न है वह है मौर्य काल का मानक सिक्का था। चार विकल्प आप देख रहे हैं, काशु, कलंजू, निष्क या पण। काशु, कलंजू, निष्क या पण, कि कौन सा ऐसा सिक्का था जो मौर्य काल का मानक सिक्का था। मौर्य काल का मानक सिक्का था, बिल्कुल कोनिका जी एकदम सही उत्तर है, एकदम आपका उत्तर एकदम सही है। बिल्कुल, मौर्य काल का जो मानक सिक्का था वह था पण। यह चांदी का सिक्का होता था दोस्तों, और अधिकारियों को, कर्मचारियों को जो वेतन दिया जाता था वो वेतन इसी सिक्के में दिया जाता था, और चूंकि इसी सिक्के में अधिकारियों, कर्मचारियों को वेतन दिया जाता था इसलिए यह मौर्य काल का मानक सिक्का बना है। तो मौर्य काल का जो मानक सिक्का था वह था चांदी का सिक्का था और इसको नाम दिया गया है पण। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन है, भारत के सबसे प्राचीन कृषि इंजीनियर माने जाते हैं। चार विकल्प हैं, मनु, सुदास, पृथुवेन या इनमें से कोई नहीं। भारत के सबसे प्राचीन कृषि इंजीनियर कौन माने जाते हैं। चार विकल्प हैं, रिप्लाई दीजिए। कोई भी अब तक मेरे पास में सही उत्तर नहीं आया है। बिल्कुल रोशन प्रजापति जी, बिल्कुल राजेंद्र कुमार गुज्जर जी, दोनों लोगों का उत्तर एकदम सही है। भारत के जो सबसे प्राचीन कृषि इंजीनियर हैं वह माने जाते हैं पृथुवेन। ये कहा जाता है, ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि पृथुवेन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हल और कृषि को जन्म दिया था, मींस उनका आविष्कार किया था। तो हल और कृषि के जो आविष्कारक माने जाते हैं वो माने जाते हैं पृथुवेन। इसीलिए भारत के सबसे प्राचीन जो कृषि इंजीनियर माने गए हैं वो कौन माने गए हैं, पृथुवेन माने गए हैं। और एक चीज आप आसानी से याद रख सकते हैं, जो कृषि होती है, खेती होती है, वो कहां पर होती है, जमीन में होती है। जमीन को क्या कहते हैं, पृथ्वी। और पृथ्वी से ही आपका क्या शब्द बना है, पृथ्वी से ही बना है पृथुवेन। तो बड़े आसानी से आप इसको याद भी रख सकते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्राचीन साहित्य में किसे किसे कृष्ण अयस कहा गया है। तो दो नाम थे, कृष्ण अयस या श्याम अयस। तो किसे जो है कृष्ण अयस या श्याम अयस कहा गया है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी आप सोचेंगे, कृष्ण मतलब काला, श्याम मतलब सौला। ठीक है, तो उस आधार पर धातु का भी आप पता कर सकते हैं, सोना किस रंग का होता है, चांदी किस रंग की होती, तांबा, लोहा। उत्तर दीजिए दोस्तों, थोड़ा सा भी दिमाग लगाइए। बिल्कुल एकदम सही उत्तर दे लेंगे। बिल्कुल अनिल जी, आपका उत्तर एकदम सही है। अनिल जी ने उत्तर दिया है सबसे पहले लोहा। तो
तो देखिए मैं अभी आपसे कह रहा था कि कृष्ण मतलब काला, लोहे का जो वास्तविक कलर होता है वो कैसा होता है, काला होता है, सोना कैसा है, पीला है, चांदी कैसी है, सफेद है, तांबा आपका एक मिक्स कलर है, ठीक, और जो काले रंग का है वो क्या है आपका, लोहा है। तो श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क जिस धातु को कहा गया है वह है लोहा। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न थे आपके सामने। तो चलिए अब जो आपके नेक्स्ट जो आपका रहेगा कल इसी समय पे मिलेंगे, और कल जो आपके प्रश्न रहेंगे वो सारे के सारे प्रश्न आपके जो है राजस्थान के इतिहास से रहेंगे। आज जो आपके प्रश्न थे वो प्रश्न आपके जो प्राचीन काल था या जहां से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बन सकते हैं उन प्रश्नों पर चर्चा की गई है वो संपूर्ण इतिहास से थे, और कल जो आपके प्रश्न जिन पर चर्चा करेंगे वो केवल और केवल आपके केवल राजस्थान के इतिहास से ही संबंधित रहेंगे। आज आपका मिक्स टाइप के क्वेश्चन थे और उसमें राजस्थान का भी कुछ पार्ट था और कुछ जो है आपका पूरे इतिहास को उसमें जो है समाहित किया गया था। चूंकि जो आपका पेपर है उस पेपर में आपके जो प्रश्न बनते हैं वो राजस्थान के इतिहास से भी बनते हैं और कंप्लीट इतिहास से भी बनते हैं, जो भारत का सांस्कृतिक पक्ष है उससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए ये प्रश्न आपको जो है सॉल्व कराए गए हैं। कल नए प्रश्न